ये मेरा दूसरा साल है और समाज के विविध क्षेत्रों के महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। हर कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं घर का हाथ होता है और घर के पीछे नारी का हाथ होता है, तो नारियों का सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दो साल से हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और ख़ास करके मैं इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ शैलेश पटेल जी की वजह से। और शैलेश पटेल जी मेरे पास कोई ना कोई अच्छे कार्य लाते रहते हैं और मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करता हूँ। और अभी हम मेरे ख्याल से 31 तारीख को भी दो शो कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि पुरस्कार हमेशा आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और सभी अवार्डी को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि इस प्रकार का कार्य मेरे हाथों से हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। हर साल सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सबके साथ मैंने बहुत सारे काम किया है, म्यूजिक एल्बम्स किए हैं एंड सो मुझे अमृता मैम बहुत पहले से जानती है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। सो वी नो ईच अदर एंड शी वॉज लाइक इन्वाइटिंग मी सो मेनी टाइम्स बट आई वॉज सो बिजी, देन हमें टाइम मिला एटलीस्ट, मुझे मेरे वर्क शेड्यूल से मेरे एग्जाम्स ऑल दैट, सो फिर मैंने बोला चलो आज जाते हैं, मैम को मिल के भी आते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला कि इन 20 यू स्टिल नाउ योर सो बिग स्टार, नाउ आर गोइंग सो गुड वे, सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू अमृता मैम and thanks my parents who support me, especially my mother, she always support me for and encourage me for go and do what you love to do, so thank you. जब एक बेटी जो है मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, अपने भाग जीत के खुशी होती है, बेटी ने बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग गाया है और उन्होंने कहा कि आई यू जस्ट इन सिटी इन फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर, तो क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे और कितना हैप्पी है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची बहुत टैलेंटेड एंड अमृता मिश्रा जी ने कोई प्लेटफॉर्म दिया है जो मैं चाहती थी हमेशा मेरी बच्ची म्यूजिक में आगे करे, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड ऑल्सो वेरी गुड कीबोर्ड प्लेयर, सो थैंक यू सो मच अमृता मिश्रा जी, थैंक यू सो मच टू कीबोर्ड वुमेन, लास्ट ईयर भी हम लोगों को चांस मिला था, इस साल को और चांस मिला है, सो थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर ऑल्सो, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हूँ ऐसे ही मेरी बच्ची आगे प्रोग्रेस करती रहे, आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, थैंक यू सो मच। बेटी आपको जो प्राइज मिला है क्या प्राउड फील कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे मम्मा की, कितना प्यार करती हूँ? मैं मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ, जैसे मम्मी ने सिंगिंग मतलब क्या बोलते हैं रिएक्शन दिया है, मतलब कीबोर्ड के साथ साथ जो गाया है वो इसने मुझे ट्रेन किया एक्चुअली घर पे, जब हम लोग गा रहे थे तो मुझे बोलती मम्मा ऐसे नहीं यहाँ पर ऐसे होता है, कीबोर्ड का जो सिंगिंग होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको कीबोर्ड के हिसाब से सिंगिंग करनी पड़ेगी, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि जो चीज़ मैं सोच रही थी इसको कीबोर्ड क्लासेस में डाल के वो इसने एक्सेप्ट वो उसे समझ ली है, वो बहुत बड़ा किताब है हम दोनों की। बट मॉडल से मैं स्विच हुई हूँ एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर रियलिटी शोज में एंड ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, बट मुझे अमृता जी ने बुलाया, बोला कि आप आइए, बट इट्स कम्प्लीटली अ सरप्राइज दैट मुझे अवार्ड मिला, आई एम रियली थैंकफुल एंड अमृता जी को भी थैंक यू, मुझे बुलाया है मुझे अवार्ड मिला, दैट टू मेरे हस्बैंड के हाथ से फॉर मार्शल, सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। थैंक यू।
मैं तो सबसे पहले आपको अमृता मिश्रा को बधाई देना चाहूँगा जिसके साथ है, उसने इतना अच्छा साहस और इतना बढ़िया काम किया है और एक एक महिलाओं को अपने स्थान से चुन चुन के लाए हैं जो समाज में रियली काम कर रहे हैं और रियलिटी है सिलाई में। बहुत बहुत उनको बधाई धन्यवाद। और जो जो लोग आए हैं वो अपने आप में गौरव प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल लगा बहुत अच्छी जगह हम आए हैं और अमृता मिश्रा ने बहुत अच्छे सम्मान दिया, उनको भी दिया हमको भी दिया। और मेरी एक फिल्म है वेलकम वेडिंग, जिसका आपने ट्रेलर भी देखा, जिसका आपने गाना भी देखा, जो 29 मार्च को रिलीज होने वाली है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत धैर्य से धन्यवाद दूंगा कि इतनी अच्छी ऑडियंस और थिएटर में उन्होंने ट्रेलर चलाया और गाना चलाया। धन्यवाद। और आपका सर जैसा कि मालूम चला है कि आने वाले मार्च में आप सब कौन से तारीख को बहुत बड़ा धमाल करने वाले, कोई बहुत बड़ा शो लेके आ रहे हैं, हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे सर? देखिए धमाल यही है, वेलकम वेडिंग, राखी सावंत, राजपाल यादव, राजू खेर और एक हमारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, छोटी सी अच्छी फैमिली पिक्चर है, गाने से इसमें कोई भी ऐसी नहीं है। तो सबसे अपील रहेगी, आप लोगों से अपील रहेगी कि आप जितना आगे इसको बढ़ा सकें, हमारा एक अच्छा प्रयास है और इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जनता जनार्दन हमें जरूर पसंद कीजिएगा, लाइक करिएगा। मैं आपको जानते हूँ कि हर किसी के साथ जुड़ा रहता हूँ और शायद ही ऐसा कोई अवार्ड शो है जिसमें मैं साथ ही ना हूँ। सबसे पहले नमस्कार और अमृता मैम को बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत अच्छा प्रयास करती हैं और सबको एकजुट बनाने की कोशिश करती हैं। मैं अपनी फिल्म के बारे में बात थोड़ा करना चाहूँगा कि ये फिल्म जो है वेलकम वेडिंग, जो अभी शादियों का मौसम चल रहा है, वेडिंग का मौसम चल रहा है, उसमें स्पाइसी यानी चटकदार मटकदार जो होली का रंग होता है ना, उसमें भरकर एक्चुअली पारिवारिक फिल्म है जिसे पूर्ण रूप से स्वस्थ मनोरंजन है जो पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। देखिए मार धार दंड बंद बहुत सारी चीज़ें देख ली, लेकिन अब थोड़ा परिवार के साथ बैठ के फिल्म देखिए वेलकम वेडिंग जो 29th को आ रहा है और इसमें बहुत सारे कलाकार हैं, राखी सावंत जी का, राजपाल जी, दर्शन जरीवाला, राजू खेर, फरीदा दादी, बहुत सारे कलाकार हैं और ये पूरे भारत में और नेपाल में भी लगने जा रहा है। 29th को इस फिल्म को प्यार दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मैडम आपको जो यहाँ पर सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अमृता मिश्रा जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने नारी का जो एक्चुअली रूप होता है वो सबके सामने संवारने की कोशिश की, जिससे हम बहुत खुश हैं। उन्होंने इतना सम्मान दिया, वो सारी नारियों को आगे ला ला कर एक एक कहाँ कहाँ से चुन चुन कर उनको सम्मानित कर रही है और उनको प्रेरणा कर रही है ताकि वो आगे और अच्छा काम करें। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहे और हम उनके साथ जुड़े रहे। और हमारी 29 तारीख को जैसे सर ने बताया हैप्पी वेडिंग आ रही है मूवी, वो प्लीज़ देखिए दर्शक, बहुत घरेलू पिक्चर है, फैमिली पिक्चर है और बहुत ही मस्ती वाली पिक्चर है, तो आपको ज़रूर ज़रूर बहुत मज़ा आएगा देखने में। हमारे कलाकारों ने, हमारे सर ने बहुत बहुत मेहनत करी है, तो आप सबसे यही अपील है आए और अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उस पिक्चर को बहुत पसंद कीजिए। आज मुझे अमृता जी ने यहाँ पर उनके सामान चढ़ाने के लिए बुलाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हर साल अमृता जी ये करती है और हर नारी को प्रोत्साहित करती है और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे का इनका जो सामान चढ़ाने का है वो सबसे बहुत ही सराहनीय है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही हर नारी को प्रोत्साहन मिला रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये मैंने तो काम करने के लिए ही मैं काम किया, मैंने कभी भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज बड़े अपनी मेहनत का एटलीस्ट अवार्ड मिला है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक्स एवरीबॉडी फॉर सपोर्टिंग मी। I feel keep on working further जब तक मेरी जिंदगी है
मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी और आपके दुआओं से सब ठीक है, हमेशा मैं ऐसे प्रयत्न करती रहूँगी कि मैं जैसे पहले अपनी लाइफ में मैंने यही है और हिम्मत नहीं हारूंगी कभी। और एक मेरा बोलना ये है कि प्लीज़ आप लोग भी समय की कदर कीजिए, समय कभी दोबारा वापस नहीं आता जो चल चला गया, हर एक मिनट जिंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी कदर कीजिए, बस इतना बोल के चाहिए। थैंक यू सो मच। पंची ने आज उस शाबाश मानी और प्रमोशन आप पहुँच देने का कितना प्रॉब्लम लगा, प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि जो अमृता मिश्रा जी है बहुत अच्छा काम कर रही है और हर एक आदमी को उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि 100ली अगर लेडी इतना अच्छा काम करती है, इतने लोगों को प्रोत्साहन देती है और हर चीज़ के लिए खड़ी रहती है, हर चीज़ के लिए लड़ती है, तो और ये मैगजीन में उन्होंने हर लेडी की स्टोरी लिखी और हर आदमी की स्टोरी है जिन्होंने सक्सेस अचीव की, तो मैंने भी जुड़ा, हमारी कंपनी जुड़ी क्योंकि ये मैडम है और मुंबई रफ्तार है, ऑलवेज अच्छे काम करते रहते हैं तो इनके साथ हम ऑलवेज जुड़े हुए हैं, इनके कोई भी इवेंट्स रहते हैं हम ऑलवेज इनके साथ हैं क्योंकि ये अच्छे इवेंट करते हैं, डिसेंट इवेंट करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। थैंक यू टू द ऑल ऑफ द टीम। मुझे स्पिरिचुअल फिल्मों के लिए अवार्ड मिला है, बेस्ट स्पिरिचुअल फिल्म। एक्चुअली इस अवार्ड का क्या करना चाहेंगे ये सब मैं अभी सवाल पूछा था, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अवार्ड जो आज मिला है ये हर नारी को डेली मिलना चाहिए क्योंकि नारी एक ऐसी शक्ति है जो उनको संभालती है, सारी चीज़ों को संभालती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अहमियत ज़माने को भी नहीं समझ में आती है, घर वालों को भी बहुत बार समझ में नहीं आती है, तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे मिला है तो मैं सबको यही बोलूँगी कि थोड़ा स्पिरिचुअल समय होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि आज के लाइफ में हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मीडिया हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, बच जाते हैं, तो एक मेंटली जो डिस्टर्बेंस हमारा होता है उसके लिए स्पिरिचुअल लेवल होना ज़रूरी है। थैंक यू। वाइफ को सम्मान मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वाइफ को आज ये नारी सम्मान मिला है, शाबाश नारी का सम्मान मिला है और शैलेश सर, राज सर और राम सर के माध्यम से नॉमिनेशन हुआ है और मेरे साथ में ये मेरे डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग बिजनेस में मेरे साथ में काम कर रही है और लगभग हमारा 10,000 लोगों का परिवार हुआ है इसके अंदर और 10,000 लोगों को घर में खुशी है। आज लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, काम की तलाश है ना, लेकिन एक जो नया मार्केट है, हमेशा टेक्नोलॉजी एक नए नए मार्केट को उदय आता है, नया नया मार्केट उदय में आता है और लेकिन उसका जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो टेक्निकल ट्रेनिंग का पार्ट हम दोनों संभालते हैं और मुझे मेरी वाइफ का इसमें बहुत बहुत साथ मिलता है और हम दोनों हमारे 10,000 लोगों को परिवार को एक खुशी दी है, उसके लिए भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और इसलिए मेरे वाइफ का मुझे साथ मिले और हम आगे बढ़े, हमारी तरक्की हो, हमारे समाज की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो, जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत में हम हमारा एक छोटी सी हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ को कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान हमको शक्ति दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास समाज में पहुँचे और उनको आत्मनिर्भर बनाएँ। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे थैंक यू सो मच मैम। अमृता मैम जो मुझे इनवाइट किया है, थैंक यू सो मच अमृता मैम और काफ़ी समझा कि ये शाबाश नारी का जो भी मुझे टैग मिला है मैं बहुत अच्छा लगा और मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ
तो मेरे काम से ही मुझे जाना जाता है। जैसा मैं बहुत से मेकअप आर्टिस्ट के लिए बोलना चाहती हूँ कि अपना काम खुद अपने नाम से बनाओ। और थैंक यू सो मच अमृता मैम। ओके, बहुत सुंदर गाना गाया, यहाँ पे तमाम बॉलीवुड के लोग आए। इस अवार्ड शो के लिए अमृता मैडम ने जो आपको गाने का मौका दिया, आप क्या फील कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अमृता मैम और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये परफॉर्म कर सकूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू और अमृता मैम, थैंक यू सो मच। आगे चल के क्या करना चाहते हो आप? मैं इंशाल्लाह एक IAS ऑफिसर बनना चाहूँगा। जी मैम बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आपके इवेंट? आज के इवेंट के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में सभी लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ी हैं और वो अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही सभी बढ़ते रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें बस। और मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या कहूँ आप सभी से, बस मैं बस ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बनी, मुझे सम्मान मिला। और थैंक यू अमृता मैम और थैंक यू शर्मा सर, जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया बस। और मैं क्या कहूँ, थैंक यू सो मच। आपका नाम बोले नहीं, सारे वुमेन्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है एंड उनको एनकरेज किया जा रहा है, उनकी जो वर्क है बहुत अच्छा है एंड सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी देख के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं एज अ वुमेन एंड इक्वालिटी में भी साथ। थैंक यू सो मच फॉर माय टीम। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहिए आपके यहाँ पे जो अवार्ड है, व्हाट आर यू फीलिंग दिस इवेंट? सो ये इवेंट बहुत अच्छा है विमेंस के लिए है और ये अभी विमेंस मार्च चल रहा है तो मार्च में विमेंस से सेलिब्रेट किया जाता है। सो मैं खुद एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ एंड आई वर्क फॉर बॉलीवुड। बहुत खुशी हो रही है यहाँ के हर टैलेंट, बहुत सारे जैसे स्टंट वुमेन है, डांसर है, सब है। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया, मुझे ये अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच अमृता जी, मेरे हमें यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच वी बोर्ड वुमेंस, लेडीज लोगों को आगे ये सब करना, बच्चों को दिखाना, उसके लिए ट्रॉफी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। थैंक यू सो मच। जी मैम, आप थैंक यू सो मच अमृता मैम। थैंक यू सो मच। सवास नारी 2024 का आपका अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली जो हम स्टंट करते हैं पर्दे के पीछे वो हमें कोई नहीं जानता। सो आज इन्होंने यहाँ पर बुला के सबको मैं बताया कि हम कितना हार्ड स्टंट करते हैं। सो इसके लिए हम थैंक यू सो मच बोल के सर अमृता मैम को नारी शक्ति अवार्ड शाबाश नारी के लिए उन्होंने इसका हकदार में समझाया हमारा। थैंक यू सो मच। खत्म हो गया भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस, शाबाश नारी एंड दिस इज माय होम ब्रांड शाह बिरसा, डू चेक आउट, डू ऑर्डर्स। थैंक यू सो मच। आपको अवार्ड मिला, आप कितना? जी मैं बहुत खुश हूँ
ये अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ तो शाबाशी वाला काम मैंने किया है तभी हमें मिला है। थैंक यू मैम। तो अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाबाश नारी अवार्ड 2024 में, आप कितना गर्व महसूस कर रहे हो और इसके बारे में आपको किस तरह के आपको अवार्ड मिला है उसके बारे में बताइए। जी, मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये शाबाश नारी मुझे मिला है और शायद से मैं कुछ होगी तो मुझे ये मिला रहेगा ना, कोई तो चीज़ अचीव करी रहूँगी तो मुझे शाबाश नारी का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच अमिता मैम कि आपने मुझे ये दिया है और ये चीज़ से नवाजा है। थैंक यू सो मच जी भाई। आपका कुछ चल रहा है? सबसे पहले तो मैं अमृता मैम का थैंक यू बोलूँगा कि इतने सारे नारियों को उन्होंने इनवाइट करके बहुत शाबाश किया है और वी बोल वुमेन फाउंडेशन का 6th एनिवर्सरी है, इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। एज ए पूरी टीम हम लोग ने काम किया, हम लोग करीब बहुत सक्सेस गए। थैंक यू। अमृता मैडम, सबसे पहले आपने सुपर सक्सेस शो किया इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। शाबाश नारी 2024 सीजन 3 का आपने बहुत ही हैट्रिक लगाया है, बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम, स्पॉन्सर्स टीम, जितने अवार्डी, जितनी नारी शक्ति यहाँ से जिनके वर्क को आपने सैल्यूट किया, इंस्पायर होकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो मैं मेरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना बिना टीम वर्क के कोई काम नहीं होता। अमृता मिश्रा है अकेली दिखने को, बट उसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं जिनकी वजह से आज अमृता मिश्रा है और मेरा ये वी फॉर वुमन फाउंडेशन जो दिख रहा है वो है। इसको आज 24 मार्च को पूरे 6 साल हो जाएंगे और जैसा आप सबको पता है कि मार्च का महीना पूरा वुमन से सेलिब्रेशन होता है, तो हमारे शाबाश नारी के ये सीजन 3 हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसे ऐसे हुनर को, ऐसे ऐसे हीरे को बाहर निकाल के आऊँ जिनमें सच में कुछ काबिलियत है और जो समाज के लिए सच में कुछ कर रहे हैं। अमृता जी, बी वर्ल्ड वुमेन फाउंडेशन की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि एक जौहरी की तरह हीरो को तराशती हैं, यहाँ पे आपने बहुत ही स्पेशल बच्चे का भी सॉन्ग परफॉर्मेंस कराया, तो इसके अलावा आपके फाउंडेशन क्या कार्य करती है? मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ कि जो ओल्ड एज होम हो, ऑर्फनेज होम हो, हम उनसे जुड़ते हैं और उनकी जो भी नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं, उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। डोनेशंस के थ्रू हो या जैसे भी हो, हम उसको पूरा करते हैं, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे ऐसा घर खोलना है जहाँ पे छोड़े हुए बच्चे हों, छोड़ी हुई बच्चियाँ हों, घर से निकाली हुई महिलाएँ हों, घर से निकाले हुए हमारे बुजुर्ग हों, उन सबको एक आशियाना देना, जिसका मैंने एक नाम भी सोच के रखा है मेरे दादा दादी के नाम पे, नयन तारा हाउस, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वी फॉर वुमन फाउंडेशन खोलने का मोटिव भी यही था कि मैं एक आशियाना बनाऊँ और गाँव और शहर को एक जगह ला के खड़ा करूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, आदिवासी क्षेत्र है जिसका नाम है झाबुआ मध्य प्रदेश, वो बहुत ही रिवाइवल एरिया है, वो आदिवासी क्षेत्र है जिसके नाम से भी लोग डरते हैं और वहाँ की खासियत है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है। तो गांव और शहर की औरतों को एक प्लेटफॉर्म देना है, एक जैसा खड़ा करना है, ये है मेरा और मेरे वी वर्ल्ड वुमन का मेन मोटिव। अमृता जी, आपने भी जिक्र किया कि वी वर्ल्ड वुमन में आप अकेली थी लेकिन ये फैमिली बहुत बड़ी हो गई आज जी। जैसा कि आपने आपका हैट्रिक शो है जी। तो फैमिली जब बड़ी होती है, अपनों का प्यार मिलता है, कैसा लगता है, व्हाट आर यू फीलिंग? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बिलीव नहीं करेंगे 200 मेंबर के साथ शुरू किया था सोशल मीडिया पे, आज 5,500 महिलाएं जुड़ी हुई है जो ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से, जिसमें सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी से सबसे ज़्यादा लेडीज से कनेक्टेड है। और उनको मैं हमेशा कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जिसके जरिए वो जुड़ी रहती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली धीरे 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 बढ़ रही है और बहुत सारे जेंट्स का मुझे सपोर्ट मिला है। मोस्टली पुरुषों का सपोर्ट मिलता नहीं है महिलाओं को, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी फैमिली का और मेरे दोस्तों का बहुत सारा सपोर्ट मिला है। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, यहाँ से जो महिलाएं इंस्पायर होकर जा रही हैं एक ऊर्जा के साथ जो है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने कदमों को रोको नहीं, घर पे अगर हो तो घर से कुछ काम करो, बट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सिंगल हैंड से घर नहीं चलता और कब कौन धोखा आपको दे जाए, कब आपकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हो जाए आप बोल नहीं सकते। अगर दोनों हाथों से कमाएंगे तो घर को और खुद को संभाल पाएंगे। आज की तारीख में औरतों का अपने पेड़ों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। फाउंडर मेंबर्स है, क्या कहना चाहेंगे सुपर सक्सेस हो के लिए? जी, मैं बी बोल वुमन की मुंबई जोन की हेड हूँ। लेट मी करेक्ट। ओके, सो बी बोल वुमन से 1.5 साल से मैं अमृता को जानती हूँ एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सन। उसने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, थोड़ा सा मैंने सिर्फ थोड़ा सा किया उसके लिए, तो उसने कहा नहीं रतन अलाहत आपको मैं बी बोल की हेड बनाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एज फार एज बी बोल्ड इज कंसर्न, बी बोल्ड जो
डेढ़ साल पहले मैंने देखा था और जो अभी मैं देख रही हूँ बहुत ऊंचाई तक पहुँच गई है और इंशाल्लाह से बहुत आगे भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, एज फार एज अमृता इज कंसर्न, अमृता की टीम भी बहुत अच्छी है, जैसे कि सलमान हुआ, अमृता तो है ही है, फिर मेराज, दिलविनीत, राकेश, ये भी बहुत ही हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए तो इतना अच्छा शो होता है नॉर्मली। अच्छा, आज के शो के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज का शो बहुत ही सुपर था, इट वॉज वंडरफुल, सबको इम्पोर्टेंस दिया गया था, सबको रिस्पेक्ट दिया गया था, यही अमृता का की खासियत है। अमृता किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ती है, वो हमेशा सबको रिस्पेक्ट देती है और द शो वॉज वंडरफुल, आई लव इट, थैंक यू सो मच। बी वर्ल्ड वुमेन्स फाउंडेशन बहुत सुपर सक्सेस, नारी शक्ति का सैल्यूट किया गया, इसकी फाउंडर अवार्ड शो की ऑर्गेनाइजर अमृता मैडम, पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये मैडम का पहला शो है और उनको मैंने गारंटी भी दी और वारंटी भी दी कि इसके आगे जितने भी शो होंगे मैं कर दूंगा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सर, यहाँ से जो महिलाएं इंस्पायर होकर जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्चुअली क्या बोलते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है इनका महिलाओं के लिए, उनको कुछ आगे बढ़ने का है, क्योंकि तो ये इम्पोर्टेंट काम के लिए कुछ कुछ काम रुकता है, तो मैडम से कुछ कॉन्टैक्ट कर दीजिए या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर दीजिए, उनको उसमें से बाहर निकलने सुविधा हुआ हम लोग करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर शो सक्सेस हुआ है, यहाँ पे नारी बहुत इंस्पायर होकर एक ऊर्जा जोश के साथ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस शो के लिए? फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू अमृता, वी वोट विमेन से तो मैं जो है काफ़ी टाइम से, बट आई थिंक अब हम ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, एंड टुडे द बेस्ट पार्ट वॉज द वे एवरीबडी वॉज गिविंग रिस्पेक्ट, हम्बलनेस बेस्ट, आई लव अबाउट दिस, सो हम्बल एंड काइंड, एंड जितनी इतनी खूबसूरती से उन्होंने सबके बारे में जो डिस्क्राइब किया है, शी हैज फेलिसिटेटेड एवरीवन, एंड बच्चे जो आए थे वेरी ब्यूटीफुल, सो आई विल वंस अगेन कांग्रेचुलेट यू, एंड इन्होंने जैसे कहा दिलीप सर ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, सो आई एम श्योर दिलीप सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, शल द बेस्ट।